बैजनाथ प्रजापति। इसमें मैं माटी कला मेला लखनऊ में हूँ। मैंने अगले वीडियो में बताया था और इस माटी कला मेले का भव्य मंत्री द्वारा किया गया और इतना भीड़ हुई कि वीडियो बनाना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं वीडियो कल नहीं बना सका। तो उसमें कई मंत्री लोग आए, माननीय सिद्धार्थनाथ जी, कई विभाग के मंत्री हैं, उनके कर कमरों द्वारा इस मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। इतनी भीड़ थी मैं क्या बताऊं, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुझे खेद है कि मैं उद्घाटन का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सका और मैं आज सुबह का समय है, इसलिए प्रभात मित्रों और मैं सुबह सुबह बता रहा हूँ, चूँकि आगे और भीड़ हो जाएगी तो इसके पहले मैं वीडियो आपको दे सकूँ। तो यह है माटी कला मेला जिसका उद्घाटन कल हुआ है। अब सरकार का प्रयास है कि माटी कला से जुड़े हुए कारीगरों को एक सुनहरा भविष्य दे सके, इसके तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में लगभग 100 दुकानों से अधिक दुकानें लगी हुई हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए कोविड सहायता केंद्र, ये पहला काउंटर है जहाँ कोविड से जो ये महामारी चल रही है इससे सुरक्षा प्रदान करने के यहाँ पर जानकारी दी जाती है, कैसे आप रहें, मास्क का प्रयोग करें। सॉरी मित्रों, मैं मास्क तो नहीं लगाया हूँ, चूँकि मैं अकेले हूँ, ये होते ही लगा लूँगा ना। अब आगे हम बढ़ते हैं तो इस मेले का आयोजन का कार्यालय बना हुआ है, अभी मैं उस कार्यालय के पास रहता हूँ। आप देख सकते हैं ये माटी कला मेला कार्यालय बना हुआ है। यहाँ पे अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है, सभी लोग लग करके एक एक व्यक्ति का एक एक वस्तु का ख्याल रखते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर अपना घर पूरा छोड़ करके ये यहीं पे कैंप लगाए हुए हैं। अब इन अधिकारियों की भी एक सराहना के पात्र हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये इतनी मेहनत की है तब ये आयोजन सफल हो रहा है और भविष्य में ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल आयोजन होगा माटी कला मेला। इसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये निजामत की ब्लैक पॉटरी है, जो यूज वाली चीज़ें हैं जैसे कप है, बॉटल्स है और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बताया हमने कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा दुकानें लगी हुई, सभी पॉटल्स हैं। अब देखिए यहाँ ये गोरखपुर जहाँ पे तरह तरह की सजाने की वस्तुएं बनी हुई हैं। अब देखें बगल में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ भी बिक रही हैं, दिखा सकते हैं कैमरा मैन संजू से कहूँगे कि थोड़ा सा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखाएँ। मित्रों मैं आपको बताना चाहता था कि अपने देश में क्या नहीं है, देवता भी इस भारत भूमि पे जन्म लेने के लालायित होते हैं कि इस महान भूमि पे, इस पवित्र भूमि पे हम फिर से जन्म लेकर के मानव रूप में इसका आनंद उठाएं। परंतु ये नहीं हो सकता, जो देवता हूँ देवता तो इस देश की मिट्टी इतनी महान है, उस मिट्टी से बने हुए सारे मिट्टी के बर्तन हैं जो पूजने के योग्य हैं और पूजे जाते हैं। लेकिन विगत वर्षों से कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं, लोग आधुनिकता के तरफ पाश्चात्य कंट्री की नकल करते हुए अपनी सभ्यता को भूल गए हैं और विदेशी सभ्यता को अपनाने में बहुत ही वो गर्त में चले जा रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ कि अपनी सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे महान सभ्यता है, उस सभ्यता का आप अनुपालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी सिलसिले में हमारा कुम्हार, आप देखते हैं कि पिछली बारिश कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, उस कंडीशन में किसी के पास छप्पर है नहीं भी है, फिर भी एक देश बना करके कुम्हार बिरादरी आपके लिए, आपके हित के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए दिन रात मेहनत करके ये सारे बर्तन तैयार किया हुआ है ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। अब इसका लाभ कैसे होता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही, आदिमानव काल से ही इस मिट्टी का प्रयोग होता रहा है, लोग इसमें खाना बनाते रहे हैं, खाते रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं, काफ़ी लंबी आयु रही है। लेकिन आज हम पाश्चात्य देशों की नकल करते हुए अपनी उम्र को तो कमी कर दी है, बीमार हैं। आज हमारे देश में डायबिटीज़ के बहुत सारे रोगी हैं। तो मिट्टी के बर्तन वो पावर है, वो क्षमता है जो इन सब रोगों को दूर कर सके। बस ज़रूरत है तो इच्छा शक्ति की, ताकि आप मिट्टी का बर्तन प्रयोग कर सकें। मैं आपको ले चलता हूँ, एक हमारे ब्लैक पॉटरी की दुकान है जिसमें हम कुछ फ्लावर पॉट वगैरह बना रखे हैं, कप है, केतली है, बॉटल है, तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने से आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ मिलता है स्वास्थ्य के लिए। इसमें चाय का स्वाद बदल जाता है, पानी पीते पानी नहीं अमृत बन जाता है, ये सारी चीज़ें हुए हैं। तो मैं कैमरा मैन संदीप से कहूँगा कि इस आदम का गणेश जी की प्रतिमा का प्रदर्शन करें आप। ये प्रतिमा देखिए, ये एक दिन में संभव नहीं है कि इतनी बड़ी प्रतिमा एक दिन में कोई बना ले, कितनी मेहनत किया हुआ कुमार कि इस प्रतिमा को बनाया है। तो आने वाली सामने त्यौहार दीपावली है, तो आप दीपावली में क्या करते हैं, विदेशी सामानों का प्रयोग करते हैं जैसे चाइनीज झालर या आदि चीज़ें,
जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो कहाँ दीपावली मना रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं, जरा विवेक से सोचिए। दीपावली आपकी हैप्पी नहीं हो रही है, दीपावली हैप्पी तो विदेशों की हो रही है। आप जरा भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अपने देश की पदवी वस्तुएं हैं, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें ताकि अपने देश का पैसा अपने देश में रहे, अपने देश में रहे और हमारा देश समृद्धशाली बन सके। अगर हम विदेशी सामान खरीदेंगे तो हमारा पैसा विदेशों को जाएगा, तो हमारा देश समृद्धशाली नहीं बल्कि गरीब होता जाएगा। मित्रों, अपने देश के लिए मर मिटने की बात सोचिए, तो मरना मिटना नहीं यहाँ पे है, बस अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना है। तो हमारे देश में तमाम चीज़ें बनी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस बार इस दीपावली में मिट्टी के दीयों का प्रयोग करें, लक्ष्मी गणेश मूर्तियों का प्रयोग करें और भी जो भी सजाने वाले सामान हैं, जैसे कि हमने दिखा कि बहुत कुछ है हमारे इस हिंदुस्तान में मिट्टी से बना हुआ, आप उसको इस्तेमाल करें। अब देखिए, मैं कुछ गणेश लक्ष्मी प्रतिमाओं को दिखाऊंगा। ये उसमें वो क्षमता है जो चाइनीज में बनी हुई वस्तुओं लक्ष्मी गणेश को भी पीछे छोड़ देगा। बस एक है ना माता है कि हम ही तो हमारा लोकल है, माननीय प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के लिए नारा दिया है, आप उसको सार्थक बनाइए और मिट्टी के वस्तुओं का प्रयोग करिए। आते हैं हम ब्लैक पॉटरी के दुकान पे। देखिए, ये आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी है, ये बच्चे आए हुए हैं। सोचिए, इन बच्चों की उम्र पढ़ने की है, लेकिन सीजन है, समय है, तो पेरेंट्स की मदद करने के लिए ये अपने काम में लगे हुए हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। अब थोड़ा छुट्टी लेकर के ये सहायता कर रहे हैं ताकि इनके पेरेंट्स और इनकम कर लें, इनकी भी दीपावली हैप्पी हो सके। आप सबकी दीपावली हैप्पी हो, तो आप कुम्हारों के द्वारा बने हुए मिट्टियों का बर्तन प्रयोग करें ताकि इनके घर में कुछ पैसे जाएं, ये भी अपनी खुशियों को आपके साथ शेयर कर सके और मना सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, बस अपने देश की बात है, लोगों तक ये सूचना पहुँचाए, ये जन जन तक पहुँचाए ताकि वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर सकें। और बहुत पिछड़ा हुआ कुनबा है कुम्हार, इनको भी कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी और ये भी कुछ आगे बढ़ेंगे, अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा। तो मित्रों, ये मेरी सूचना, मेरा ये वीडियो जन जन तक पहुँचाइए, बेशक आप लाइक ना करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इसी के साथ जय हिंद मित्रों, शुभ दीपावली।